आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। यमुनानगर से आ रही है, यमुनानगर में पटाखों का तांडव किया। हिंदुस्तान मोटर के गोदाम में आग लगी, कपड़े के ग्राउंड में भीषण आग लगी है। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं, तो आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर, यमुनानगर में पटाखों का तांडव देखने को मिला है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान मोटर के गोदाम में बताया जा रहा है ये आग लगी है, कपड़े के ग्राउंड में ये भीषण आग लगी है। तो आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है, इस आग में जलकर करोड़ों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो यमुनानगर में पटाखों का तांडव यहां पर देखने को मिला। हिंदुस्तान मोटर के गोदाम में आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है, कपड़े के ग्राउंड में बताया जा रहा है कि ये भीषण आग लगी है। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सरबजीत बाबा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सरबजीत, ये कैसे आग लगी और किसी के हताहत होने की भी जानकारी है? देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि देर रात, जैसे दिवाली का पर्व था और लोग आतिशबाजी कर रहे थे, इसी दौरान यमुनानगर के दो बड़े गोदामों में जो है आग लगी। एक तो हिंदुस्तान मोटर्स वालों का गोदाम था, जहां पर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट जो है वो रखे हुए थे। लगभग करोड़ों रुपए का इस आग से जो है नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ यमुनानगर के एक कपड़ा के गोदाम में आग लगी है, वो भी 3 मंजिल गोदाम था और वहां भी लगभग करोड़ों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। हालांकि अभी तक यह नहीं पता लग पाया कि इन गोदामों में आखिर आग कैसे लगी। यही कहा जा रहा है कि आतिशबाजी की कोई ना कोई आग की चंगारी लगी है, जिसके कारण ये आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों ने जो है देर रात काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। जी बिल्कुल, हालांकि आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन उसके आसपास जो है वहां पर भी नुकसान पहुंचा है। जी देखिए बिल्कुल, क्योंकि आग जो है दोनों ही गोदामों में 3 मंजिला गोदाम थे और आसपास जो है रिहायशी इलाका होने के कारण काफी लोगों में दहशत का माहौल भी बना रहा, क्योंकि आग ने जो है 3 से 4 घंटे तक जो है काफी तांडव दिखाया, काफी ऊंची ऊंची लपटें आग की उठती रही, जिसके कारण लोग जो काफी दहशत में भी रहे। हालांकि आसपास के घरों में ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो दुकानें जो गोदाम है उनकी दीवारें कहीं ना कहीं आग से जो है काफी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और वहां जहां एक तरफ सामान जलकर राख हो गया, वहीं इनकी जो दुकानें हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं इस आग से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सरबजीत।